तुम्हारे मन में अश्लील विचार चलते हैं? क्या आज भी मन में तुम कल्पनाएं बनाते हो? क्या आज भी हर काम के बीच में केवल और केवल गलत और गंदे विचार आते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भाई मेरे पुराने हैं, अगर उनमें से किसी भी भाई में ये लक्षण दिख रहे हैं तो वो अंत तक वीडियो को देखें, और जो भाई नए आए हैं वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे। तो आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखो, इतने समय से तुम वीडियोस देख रहे हो और फिर भी खुद को ये मानकर बैठे हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, और फिर भी विचार लगातार आ रहे हैं अश्लील, तो इसका केवल और केवल एक कारण है कि तुम ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे, तुम सिर्फ इस ऊर्जा को दबा रहे हो। अब इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से भी। देखो, आप क्या गलती कर रहे हो? आप गलती कर रहे हो कि आप उस चीज को दबा रहे हो। देखो, हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, हम खाना खाते हैं ऊर्जा बनती है। ऊर्जा केवल वीर्य नहीं, एनर्जी जो अलग अलग रूप में होती है। ठीक, तुमने खाना खाया, शरीर में ऊर्जा बनी। अब उस ऊर्जा को अगर तुम कहीं सही जगह नहीं लगाओगे तो शरीर उसे निकालने के लिए कोई और तरीका ढूंढेगा। और ये बात तुम्हें पता ही है कि शरीर को खुशी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंसान अपने जीवन में जो भी काम करता है, एक माचिस की तिल्ली यहाँ से वहां भी उठाकर रखेगा तो उसके पीछे भी अगर गहराई से देखोगे तो यही चीज निकल कर आएगी कि इससे वो संतुष्ट होगा, खुशी मिलेगी। तो हमारे जीवन का हर एक कर्म खुशी के लिए होता है। ठीक, अगर तुम वीर्य को दबाकर केवल और केवल दबा रहे हो और जीवन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, एक मशीन की तरह कमा रहे हो और खा रहे हो, बस इतना ही, तो शरीर को ना तो ऊर्जा निकालने का कोई रास्ता दिख रहा है और ना ही उसे जीवन में खुशी मिल रही है। और इसीलिए आज तक भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार चल रहे हैं। अगर आप खेलते हो तो आप देखोगे आपके शरीर की ऊर्जा भी वहां लगेगी और साथ के साथ आपके शरीर को एक बेहतर और प्राकृतिक डोपामीन भी मिलेगा, जो एकदम हाई नहीं होता, एकदम डाउन नहीं होता, और जो आपकी क्षमता को पुश भी करता है, जो आपके शरीर को चुनौती भी देता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तब आपके मन में इस ऊर्जा को और कोई भी खुशी पाने के लिए आपका शरीर इधर किधर की चीजें ढूंढेगा। आपको लग रहा होगा तो क्या पौर नहीं है, तो क्या हस्तमेथु नहीं रह गया? नहीं, तुम किसी शराबी से पूछ लो, जब वो ये चीजें नहीं करता और उसके जीवन में खुशी नहीं होती तो उसके दिमाग में पौर्ण नहीं आएगा, उसके दिमाग में नशा आएगा, फिर वो नशा करता है। क्योंकि डोपामिन सबको चाहिए, क्योंकि खुशी शरीर की एक जरूरत है और वो तुम्हें देनी ही देनी पड़ेगी, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन सही खुशी देनी पड़ेगी। अगर तुमने एक दो दिन शरीर को खुशी नहीं दी, ऊंची खुशी, तो तुम देखोगे 5-6 दिन या एक हफ्ते बाद तुम देखोगे कि तुम अंदर से दबा दबा सा फील कर रहे हो, स्ट्रेस अपने आप आने लगा है, तुम देखोगे कि शरीर कुछ खुलना चाहता है लेकिन तुम्हें नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, फिर शरीर का स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, और फिर शरीर जब ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाता है तो फिर आपके शरीर को केवल एक चीज याद रहती है कि इसको खुशी अब कहां से मिलेगी, वहां से जो आप जानते हो कहां से। तो अपने जीवन में पहले ये एक्टिविटी चालू करो। सिंगर हो तो अपने आप को इतना बेहतर सिंगर बनाओ कि आप चमक सको। और मैं नहीं कह रहा कि अगर तुम प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन रहे तो तुम गा नहीं सकते, नहीं, जिसमें भी तुम्हें रुचि है वो काम करो, क्योंकि इससे दो काम होंगे, पहला तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कहीं सही जगह पर लगेगी, दूसरा तुम्हें खुशी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उससे खुशी मिल रही है। और केवल सिंगिंग नहीं, कुछ भी, खेल हो या किसी की मदद करना आपको पसंद लगता हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कोई निर्धारित चीजें, ये नहीं, कुछ भी, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है उल्टा सीधा करने लग जाओ, वही चीज करो जो तुम्हें आज से बेहतर बनाए। ठीक, और अगर तुम ये नहीं करते तो शरीर डोपामीन मांगेगा, यानी शरीर खुशी मांगेगा। हम इंसान जी भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें खुशी चाहिए, और अगर तुम ये चीजें अपने जीवन में शामिल नहीं करोगे जो मैंने अभी बताई, तो तुम देखोगे अंदर से तुम ये सब पालन वगैरह तो कर रहे हो लेकिन अंदर से विक्षिप्त हो रहे हो, गुस्सा बढ़ रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा जाल सा बुना हुआ है, क्योंकि जीवन को सही दिशा नहीं दे रहे और ना ही तुम्हारे शरीर को खुशी मिल रही है। तो एक भी दिन ऐसा ना जाए जो तुम इन एक्टिविटी में ना हो, ये तुम्हें करनी ही करनी है। नाचने का शौक है तो नाचो, जब मन करे तब नाचो, मौका बिल्कुल मत छोड़ो,
खेलने का माने खेलो, जब मौका मिले तब खेलो। ये खुशी, ये छोटी छोटी खुशी ही, तुम देखोगे कि अब तुम्हें वो खुशी की जरूरत नहीं जिसके पीछे तुम आज भाग रहे हो। क्योंकि ये जो हस्तमैथुन पोर्न की खुशी है, ये डोपामिन बहुत ज्यादा क्रैश करती है, और ये जो तुम्हारी हॉबी की खुशी है, इसका डोपामिन गिरता ही नहीं, ये तुम्हें बल्कि और ज्यादा बूस्ट करती है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है और साथ के साथ तुम्हारे डोपामिन को लेवल में रखती है। और तुम्हें पता भी चलता है कि तुम अपने जीवन में कितने पानी में हो, तुम्हें अपने पोटेंशियल की पता चलती है, तुम्हें अपने गुण की पता चलती है, और तुम्हें अपनी कमियों की भी पता चलती है, तो तुम जीवन को अच्छे से समझ भी पाते हो। जब तक ये सब नहीं करोगे तब तक विक्षिप्तता कर रहे हो। अगर अभी भी तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे हैं तो समझ लो मैं गलती कर रहा हूं, मैं उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें लगता नहीं है कि हम दबा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ये विचार आ रहे हैं तो समझ लो तुम दबा रहे हो। अगर तुम्हारा काम बहुत बेहतर है, ऊंचा है, और अगर तुम उसमें बिजी हो, बिजी मतलब ये नहीं है कि बस जबरदस्ती लगा रहे हो खुद को, नहीं, काम से प्रेम है तुम्हें अपने, फिर दबाना और भागने की इन सब की जरूरत पड़ती ही नहीं। और ये आप लोगों में से कुछ लोग बेहतर तरीके से जान भी पाते होंगे। तो अगर इतनी सारी वीडियोस और इतने साल करते करते भी आज भी तुम वही हो जो पहले थे, वही विचार चल रहे लगातार, बल्कि उससे और ज्यादा प्रबल, तो समझ लो तुम दबा रहे हो। तुम आज भी ना तो अपना आईना साफ कर पाए और ना ही ये समझ पाए क्या प्राकृतिक, क्या अप्राकृतिक, क्या करना चाहिए, किसको कितनी कीमत देनी चाहिए, और जीवन में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए। बात समझ रहे हो? अब खुद के अंदर झांक कर देख लेना। अगर बीच बीच में विचार आ रहे हैं लगातार, तो समझ लो ऊर्जा उछाल मांग रही है, समझ लो शरीर को खुशी नहीं मिल रही, और जब बेहतर खुशी नहीं दोगे तो उसे कहीं से मिले वो पाकर रहेगा, तुम रोक नहीं सकते। जो प्राकृतिक और सहज खुशी है उसे क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते उसे? तुम्हारे आंगन के बाहर बच्चे और बड़े सब खेल रहे हैं, तुम अंदर क्या कर रहे हो, क्यों नहीं खेल रहे? बारिश पड़ रही है, उसमें नहा क्यों नहीं रहे, नाच क्यों नहीं रहे? सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, उसमें शामिल क्यों नहीं हो? सब अपने स्कूल में भाग ले रहे हैं किसी न किसी प्रोग्राम में, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं ले रहे? यही छोटी छोटी खुशी तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा दे देती है तुम विश्वास भी नहीं कर सकते। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाती हैं, भीड़ से जो डर रहता है उस डर को निकालती हैं, साथ के साथ तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखती हैं, साथ के साथ तुम लोगों से बेहतर तरीके से मिल पाते हो, और साथ के साथ तुम देख पाते हो कि दुनिया है क्या। और ये तभी समझ पाओगे जब तुम अपने आप को बेहतर खुशी दोगे, और ये बहुत हार्ड नहीं है। दिमाग से सोचोगे कि बहुत मुश्किल है, पवन भाई ने तो कह दिया आसान है, बहुत मुश्किल है ये सब, तो नहीं, तुम्हें लग रहा है मुश्किल तो बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से बहुत सहजता से लोगे इस बात को, तो तुम बड़े प्यार से इसे इस्तेमाल कर पाओगे, और फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी फिर तुम्हारे जीवन में। तो एक भी दिन ऐसा मत छोड़ो जिसमें तुम इन एक्टिविटी में शामिल ना हो, और कोई भी कभी भी मौका मिलता है उसे शामिल हो। अगर कोई गिटार बजा रहा है तुम भी शामिल हो जाओ, कोई डांसिंग कर रहा है तो सीख लो, कोई खेलने जा रहा है तो जाओ ना, निकलो बाहर, मूवी देखनी है तो जाओ सिनेमा हॉल में, कोई दूर दूर यात्रा कर रहा है तो तुम भी शामिल हो और यात्रा करो। जब तक बाहर कदम नहीं निकालोगे, शरीर तो अपने आप को बस जिंदा रखना चाहता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से